से क्या कहेंगे, आपका भी बड़ा योगदान है और अपने फोकस कायनात का जी 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 मैं इसको दो दो हिस्से में जवाब दूंगा इसका। पहला हिस्सा ये कि जैसे आप पुराने मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने प्रेस वाले हैं, इनसे अभी नई मुलाकात हुई है मेरी, वैसे इनसे भी खलील भाई को भी काफी दिनों से मैं जानता हूँ, लेकिन इनसे नई मुलाकात हुई। इन्होंने मुझसे कहा कि यार एक आपका छोटा सा, बहुत सारे लोगों को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ शहर के, आप भी हैं तो आपका भी कर लेता हूँ, तो मुलाकात हुई। खैर अपनी बातें करते करते अचानक रियलाइज हुआ कि मैंने मेरा इनको अपने बारे में बताया, इन्होंने निकाल के अपना दिखाया, तो माशाल्लाह भाई बॉडी तो इन्होंने बनाई थी और रियली बनाई थी। मतलब वो फोटो दिखाते नहीं है किसी को जल्दी, मेरे ख्याल से आप लोगों में किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन रियली बॉडी बनाई थी इन्होंने भाई, प्रॉपर एथलीट रहे। तो मुझे लग गया कि आदमी पैशनेट है, पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कि आदमी नाम के लिए कर रहा है या दिखावे के लिए कर रहा है, और एक होता है पैशन के लिए कर रहा है, वो मुझे दिख गया। तो मैंने इनको बोला कि भाई अब मेरा भी ये एक सर्टेन लेवल का पैशन हो गया है कि फिटनेस को मैं खुद बिजनेस तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं फिटनेस को काफी पुश करता हूँ, और खास तौर से मेरा मोटिवेशन जो है आप जैसी उम्र वाले लोगों के लिए, कि मैं आप लोगों की तरफ कुछ करके बताऊं, कुछ बोल के बताऊं, कुछ दिखा के बताऊं कि वाई हेल्दी लिविंग इज इम्पोर्टेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इनको बोला कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मुमरा के लेवल पे, अगर डिस्ट्रिक्ट का इवेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट के अच्छे प्रोफेशनल्स आते हैं, ये इमेज चाहिए हमको। तो मैंने इनको बोला कि भाई आप पीछे नहीं होना। ये बोले अभी बस हो गया यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा बिस्मिल्ला करो, वापस करो, इस बार पिछले से अच्छा करना, अपनी मर्जी से करना, मेरी कोई दखल नहीं है, आप बिस्मिल्ला करो, करो जो भी आपको सपोर्ट लगेगा, इंशाल्लाह हम लोग हैं सारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं आपके पीछे। और उसका ये रिजल्ट है कि माशाल्लाह हम लोगों ने ये इवेंट फिर से रिवाइज करके बहुत खूबसूरती से किया है, और उम्मीद है कि आप इससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, प्रोग्राम होना चाहिए और हो भी रहा है। इसमें मतलब बॉडी बिल्डर में जिम में मुमरा के नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए, बहुत कम दिलचस्पी है मुमरा के नौजवान। असल में कैसा है देखिए, ये बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है ना, लेस रिवॉर्डिंग है। पहली चीज, सबसे बड़ा मसला ये है कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है ना, बहुत लेस रिवॉर्डिंग है और बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो जैसे क्रिकेट है, मोर रिवॉर्डिंग है, लेस डिमांडिंग है। आप एवरेज लेवल के भी हो तो अभी एमपीएल हो रहा है जहां पे आप ऑन एन एवरेज 170 प्लेयर है, तो उस 170 प्लेयर में जाहिर सी बात है कि 10 बहुत अच्छे है, 10 उसके बाद है, 10 और अच्छे है, लेकिन जो लास्ट का 60-70 का कुंभ है वो एवरेज है, लेकिन उसके बावजूद उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये बहुत ही चैलेंजिंग स्पोर्ट है, इसमें पैसे बहुत लगते हैं, लेकिन वो बंदे के पास तो होते नहीं है, वो परस्यू नहीं कर पाता है। और जो इवेंट्स होते हैं मजबूरी में क्या होता है, वो छोटे मोटे इवेंट्स में जाके एक आध दो ट्रॉफी ले लेता है, फिर अपने आप को दिखा देता है कि भाई मेरा सेटिस्फेक्शन, वो सिर्फ इंटरनल कंपटीशन लेवल पे जाता नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम अगर रेगुलर होता रहा तो इंशाल्लाह ये जो बच्चे हैं जितने अगर एक सर्टेन लेवल पे रुके हैं, वो टारगेट करेंगे कि हम लोग भी इसमें आए और पार्टिसिपेट करें, नंबर वन। दूसरा, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आपने क्वेश्चन किया है, तो कि इन फ्यूचर जहांगीर भाई के इस इवेंट में हम लोग एक मुमरा की भी कॉलिंग करें, यानी एक छोटा सा सेक्शन, भले वो एक दिन पहले कर ले, एक बुमराह का भी करें जिसमें भले एवरेज हो, मीडियम लेवल के हो, गोइंग अप है ना, जैसे रांची ट्रॉफी के पहले कांगड़ा लीग होती है ना, फिर रांची होती है, फिर इंडियन टीम होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे इस वक्त रांची ट्रॉफी कर रहे हैं, कांगड़ा लीग भी एक करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, प्योर अपने विसिनिटी के बच्चों को, उनको एक डायरेक्शन देंगे, उसमें जो कोचेस आएंगे वो ग्रूम करेंगे, तुम्हारा माइनस क्या है, तुम्हारा प्लस क्या है, तुम लोगों को किसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, तुम कैसे कर सकते हो, इस तरह का थोड़ा होगा, वो बॉन्डिंग होगी, एसोसिएशन होगा, तो बच्चों को डायरेक्शन मिल जाएगा और हम उम्मीद कर सकते हैं फिर कि हमारे बच्चे भी कोर डिस्ट्रिक्ट वाले में आपको दिखने लगे इंशाल्लाह। ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया और कहाँ कहाँ से आए? 110 बच्चों ने हिस्सा लिया है, थाना डिस्ट्रिक्ट, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, पालगढ़, रायगढ़, माड़, खेर, चिपलून से बच्चे आए हुए। ये पहले दिन की जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थी 2016 की, नशा भगाओ बॉडी बनाओ, मेरा थॉट, मेरी फीलिंग, मेरी सोच यही थी कि मुमरा शहर में अगर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करना है
तो मैं उसका सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करके दिखाऊंगा। वो मैंने 2016 में कर दिया, कंटिन्यूटी में आज फिफ्थ टाइम, पांचवी साल कर रहे हैं इसमें। अब हमने सोच बनाई है कि मुमरा शहर के अंदर नए बच्चों लोगों के लिए न्यू टॉप 3 मुमरा शहर के लिए हमने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन रखी है। मेन फिजिक हमने ओपन रखी है 4 जिला के, थाना डिस्ट्रिक्ट मुंबई, पालगढ़, रायगढ़, वहां से भी बॉडी बिल्डर बच्चे मेन फिजिक में भी आए हैं। और उसके बाद में ओपन, आ देखे जरा किसमें है कितना है दम, वो भी कंपटीशन आपके सामने चालू है। 4 ग्रुप है ना, 1st, 2nd, 3rd, ये नेशनल लेवल की कंपटीशन है मुमरा शहर के अंदर। 2023 के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इस वक्त आप देख रहे हो, वो महाराष्ट्र के अंदर ये पहली बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रही है मुमरा के जरिए। अभी तक 4 एसोसिएशन ने ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं करा पाई थी, उन्होंने कहा सर हम पहली बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन 2023 में मुमरा में करा रहे हैं, जो 4 जिला की है। हमें फख्र हुआ कि सर जल्द से जल्द आइए और ये रिकॉर्ड भी हम बनाना चाहते, मुमरा शहर के अंदर नशा भगाओ बॉडी बनाओ। अफजल, ये जो प्रोग्राम था किस तरह से तुमने देखा और क्या तेरी सोच? अभी स्टेज पर आपने एक ही बात की है कि सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज होती है टीम वर्क, तो इनके लिए एक ही बोलूंगा कि लहरों से डरकर कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं सिर्फ एक विनती करूंगा कि ऐसे शाम पप्पू भाई जैसे लोग अगर ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट पूरे दिल से करते, और भी शहर के लोग इनको आकर के सपोर्ट देना चाहिए और इनको सपोर्ट करके ऐसे प्रोग्राम को और जो है हाई लेवल तक पहुंचाना चाहिए। देखिए मीडिया में है तो उनको ज्यादा जरूरत है फिट रहने के लिए, क्योंकि उनका काम बहुत हैडिक होता है कि कभी भी भागना रहता है, तो उनको जरूरत है ज्यादा फिट रहने की। तो इतिश्याम भाई को देख लीजिए, सेज में फिट है, मैं भी थोड़ा बहुत फिटनेस के लिए देखता हूँ। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, खासकर कि मेरी कंपनी है मसल गेयर स्पोर्ट न्यूट्रिशन, जो है सप्लीमेंट है जो प्रोटीन प्रोवाइड करती है। तो हम लोग जो इस बेसिस पे आते हैं कि जो एथलीट रहते हैं, जो है बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, ये एक तरीके से बहुत महंगा गेम है, इसीलिए हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि इसको जो है बॉडी को मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन लगती है जो काफी महंगी आती है। तो ऐसे जो एथलीट हैं जो खेलते हैं यहाँ पर, जो जीतते हैं, ये काफी गांव खेड़े से आते हैं, काफी गरीब परिवार से भी रहते हैं, तो जो इतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग जो है उनको सपोर्ट के लिए, जो लोग विनर रहते हैं उनके जो है कि हौसला अफजाई के लिए, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक रिवार्ड के तरीके से उनको गिफ्ट करते हैं अपनी कंपनी की मसल गेयर स्पोर्ट न्यूट्रिशन की प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम हर इवेंट में करीब करीब जाते हैं। आज जहांगीर भाई ने भी हमें इन्वाइट किया, खासकर हम इसीलिए आए हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर जीतेंगे हमारी कंपनी की तरफ से उनको जो है सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एक सवाल है, फिट रहने के लिए आसान फिट रहने के लिए जो कि सबसे आसान तरीका एक ही है कि आप जो है जो दिन का आपका रूटीन है वो फिटनेस के तौर से कीजिए। जब आप खाएं तो आप सोचिए खुद के लिए कि मैं क्या खा रहा हूँ जो मेरी बॉडी के लिए लगे, ना कि मेरे जायके के लिए लगे। अब दूसरा, आप जब कहीं जाते हैं तो आप ये सोच कर जाइए कि अगर मैं चल कर जाऊंगा या किस तरीके से जाऊंगा तो हो सकता है मेरी बॉडी के लिए क्या चीज प्रोवाइड हो। जरूरी नहीं कि आपको जिम में ही जाना है आपको फिट रहना है, आपका जो डेली का रूटीन है, हाँ खाने पीने पर आप ध्यान दीजिए और थोड़ा बहुत आप अपना वॉक रखिए, जो रूटीन काम में आप जा रहे हैं, बस इस तरीके से आप फिट रह सकते हैं। आपको बहुत जरूरी नहीं है कि जिम में जाना है 4 घंटे निकाल लें, बस नॉर्मल तरीके से भी आप फिट रह सकते हैं। ये देखिए ऑल ओवर इंडिया पे है, ऑल ओवर इंडिया जो है हर जगह इसके डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा, मसल गेयर की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, हर वेबसाइट जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है सब जगह मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में जो हर बहुत सारे स्टोर है वहां पर मिल जाएगा आपको। हाँ, आसान वाला कैसा होता है ना भाई, देखिए किसी को खूबसूरत दिखना है तो लाली पाउडर लगा ले तो खूबसूरत दिख जाता है। तो फिटनेस का भी ऐसे ही है कि आप काला कपड़ा पहनिए, थोड़ा सा अंदर पेट के ऊपर रबर का पैड खींच के तान के भगरिए और बाहर निकलिए, आप अच्छे दिखेंगे, बाहर से फिट हो जाएंगे। अंदर के लिए जो है वो तो मेहनत लगती है, बिना मेहनत किए हुए होने वाला नहीं है। और शॉर्टकट जो अपनी बात हो रही थी कि एक के ये बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है, जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है। अगर आदमी नेचुरली एथलीट मेहनत कर रहा है मसल बढ़ाने के लिए, बहुत टाइम लगता है भाई। जैसे आप अगर आज डिसाइड करें तो 90% लोग यही बोलेंगे कि 40 के बाद में मसल असल बनती नहीं है भाई, तो कुछ उल्टा सुल्टा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट ट्रुथ ये है कि ये सब नहीं करना रहता है आपको। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको दिन में 1 घंटा कंपलसरी देना है। और अगर जिम नहीं जाना है, आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो मेरा बहुत सीधा सा सुझाव है
कि सात माला ऊपर चढ़ो वापस नीचे उतरो फिर चढ़ो वापस नीचे उतरो फिर चढ़ो वापस नीचे उतरो 21 माला हो गया, रिजल्ट देख लो 3 महीने के बाद इंशाल्लाह। यस एब्सोल्युटली। मेरा बचपन का दोस्त है, बॉडी बिल्डिंग में पहली मेरी तस्वीर निकाली थी पहाड़ पे आके, आज वो भी नेक्स्ट लेवल पे है। मुख्तार काजी फोटो आप लोग दिखाएं, कैनवास पहाड़ वाली फोटो थी। तो वो तस्वीर भी है मेरे पास, और मुख्तार काजी आज नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं भी आगे बढ़ू। एक आर्टिस्ट है वो नेशनल लेवल पे की बात कर रहा हूँ, जैसे ये अभी प्रेस में आप लोग के साथी है, बट ये इनका प्रोफेशन है, पैशन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। आपका कैसा, आपका प्रोफेशन और पैशन दोनों है, इनका नहीं है। इनका पैशन है ना, ये देख जो रहे हैं आप वो ये है। यस, ये मुख्तार काजी जी दो शब्द बोलेंगे। इन्होंने जो प्रोग्राम किया, देखिए मुंगरा में इस तरह का प्रोग्राम करना अपने आप में एक मतलब गर्व की बात है। जिस तरह से हम बाहर देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के और दूसरे भी, मुंगरा में इस तरह से मतलब मेरा तो पहला ही मौका है कि मैं जी बिल्कुल हमारा इस तरफ रुझान नहीं है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि जिंदगी एक कैनवास है और हमारा जिसमें भी एक कैनवास है जो कुदरत ने हमें दिया है, तो हम इसमें कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं वो आज यहाँ देखने मिल रहा है। ये तमाम मेरे सामने एक खूबसूरत कैनवास की तरह दिख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने उस पर आर्टवर्क अपना किया है। थैंक यू। आप भी जानते हैं कि बिना सप्लीमेंट के शायद ये बॉडी बनाना आज के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, हो गया है सारी चीजें जो है कि जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट ऐसा आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले, आप जो है चिकन ले, जरूरी नहीं है सप्लीमेंट के आप बोले प्रोटीन के बिना, जो है कि जो लोग उस तरीके से जो इतना चिकन इतना अंडा ये चीज नहीं खा पाते उनके लिए बिल्कुल। खासकर आसिफ भाई है साथ में जो है मसल गियर में, साथ में हम लोग जो है कि आगे का क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से जो है कि मसल गियर को जो एथलीट है खासकर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जितने भी गरीब एथलीट है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए कैसा हम लोग जो आगे चल के प्रोग्राम करने वाले हैं? ये हम लोग तकरीबन मोर देन पांच साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हर गांव छोटे भले वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कलकत्ता हो, हम हर जगह हम लोग ये इवेंट करते हैं। जहाँ भी गरीब लड़के हैं जो एफर्ट नहीं कर पा रहे, हम उनको प्रोटीन स्पॉन्सरशिप करके हमको हम लोग ये मौका दे रहे हैं स्टेज पे आने का। किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन हो गया, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए हम हमेशा साथ रहते हैं। इसमें हर एक चीज है, आपको प्री वर्कआउट से लेकर पोस्ट वर्कआउट तक, इंट्रा वर्कआउट तक हर एक चीज आपके पास। तकरीबन 40 प्रोडक्ट है जो हर बॉडी बिल्डर को रिक्वायरमेंट होता है बॉडी बनाने के लिए, स्टेज पे आने के लिए, तो हम ये सब प्रोवाइड करते हैं। कहीं